अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास SST या सीनियर टीचर जनरल लाइन का पेपर आया था फीमेल्स का 4/9/2022 को, तो उसका इस्लामिक स्टडी का पोर्शन होगा। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ है। प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स पड़े हुए हैं, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो पहला MCQ है इसमें कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ बिलोंग टू डैश फैमिली। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे? हाशमी, कुरैशी, मक्की या मदनी? तो वो हाशमी फैमिली से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट आपके पास 82 है, इसमें कहता है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश सन्स है, डैश यानी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बेटे थे? तो वो 3 बेटे थे, सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 83, इसमें कहता है टू व्हाट प्रॉफिट ज़बूर वाज रिवील्ड, यानी कि ज़बूर जो आसमानी किताब है ये कौन से नबी पर नाजिल हुई? तो ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे, इट्स मीन के बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 84, इसमें कहते हैं व्हाट वाज द नेम ऑफ इमाम बुखारी, इमाम बुखारी का नाम क्या था? इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद इब्राहिम, इस्माइल बिन इब्राहिम, तो ये ए आ जाएगा, मोहम्मद बिन इस्माइल। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 85, इसमें कहता है केव हिराज इन द डैश माउंटेंस असफ़ा सिल ओहद या नूर, तो केव हीरा जो है ये नूर में है, इसमें इनके डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 86, इसमें कहता है वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज द डॉटर ऑफ हजरत उमर उमर फारूक, तो हजरत आयशा थी, हजरत जवेरिया थी, हजरत अफसा या हजरत ममूना, तो हजरत अफसा जो थी वो इज़ द डॉटर ऑफ हजरत उमर रजी अल्लाह ताला, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 87, इसमें कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइव इन मदीना 8 ईयर्स, 9 ईयर्स, 10 ईयर्स या 11, तो 10 ईयर्स उन्होंने मदीना में गुजारे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 88, इसमें कहते हैं 88 में सियासत और बुक्स ऑफ हदीस, 6 बुक्स ऑफ हदीस, 8, 5 या 7, तो सियासत आर दी 6 बुक्स ऑफ हदीस। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 89, ईद प्रेयर इज़ वाजिब है, फ़र्ज़ है या सुन्नत, तो ईद प्रेयर जो होती है वो वाजिब होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 90, इसमें कहता है लैंड ऑफ प्रॉफिट्स किस मुल्क को कहा जाता है? फ़लस्तीन, इजिप्ट, इराक या सऊदी अरबिया, तो लैंड ऑफ प्रॉफिट्स इज़ फ़लस्तीन। तो आज के लेक्चर में हमारे पास 90 तक MCQs थे, नेक्स्ट हम 91 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे।